हेलो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट वीडियो अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। आपने जैसे इससे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ा, थॉमसन जी ने उसमें क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया था, जेजे थॉमसन जी ने उसको आपने ऑब्जर्व, तो चूंकि आपने ये भी ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन जो पे जो चार्ज होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और साइंटिस्ट लोग इस बात के लिए ये जानते ही थे या कहते ही थे कि होल एटम इज न्यूट्रल, पूरा एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। तो अगर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब है अगर उसमें इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल पाया जा रहा है, तो ये भी जरूरी है उसमें कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया जाएगा, और इसी को लेकर के तमाम जो है एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे। और 1886 में गोल्डस्टीन जी ने वही जैसे कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट था उसी तरह का एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, और उसी डिस्चार्ज ट्यूब को इन्होंने इस तरह से अरेंजमेंट दिखाया। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिस्चार्ज ट्यूब में एनोड रेज का जो है कैसे, या एनोड प्रोटॉन का कैसे डिस्कवरी इन्होंने किया था, इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। तो हमने आप यहाँ पे डायग्राम आपको दिखा दिया है, इस डायग्राम को अगर आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो एक एक करके आप ऑब्जर्व करेंगे क्या चीज। यहाँ पे हमने एनोड लिया हुआ है, ये आपकी हार्ड ग्लास ट्यूब है जिसे आप डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और इसमें ये कैथोड है, कैथोड लिया हुआ है, और इसमें ये एनोड है, और साथ ही साथ ये वैक्यूम पंप है जिससे आप जो है एयर को सक करके बाहर निकालते हैं, वैक्यूम क्रिएट करते हैं, यानी प्रेशर को जो है मेंटेन करने का काम करते हैं, और ये बैटरी जो है आपने दिखाई है हाई वोल्ट करंट पास करने के लिए, हाई वोल्ट करंट पास करने के लिए यहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल किया हुआ है। तो एनोड और कैथोड जो है किसी भी मेटेरियल का हो सकता है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने के बारे में ऑब्जर्व किया वो देखिए, एनोड है, कैथोड है, कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज से अटैच है, और एनोड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से अटैच है, यहां तक ये हुआ। अब इसमें देखिए, इसमें जो है इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किया यहां पे, ये आपने जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में हाई वोल्टेज अप्लाई किया, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे एट लो प्रेशर, लो प्रेशर पे हम लोग हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में यानी कैथोड रेज की डिस्कवरी में किया था। तो वहां पे इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, इन्होंने देखा कि इनके बीच में जो है, क्योंकि ये वैकेंट स्पेस है, इसमें आपका गैस भरा हुआ, जिस भी गैस को आप लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई भी गैस आप ले सकते हैं, गैस भरा हुआ है, और आप जानते हैं इसके अंदर जो भी गैस, मान लीजिए ये आपका एटम्स हो गया, ये एटम्स हो गया, ठीक, तो ये तो मालूम है, यही एक्सपेरिमेंट कैथोड रेज के लिए भी है। अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से इवॉल्व हो रहा है कैथोड रेज से जो है यहां पे क्या हो रहा है कैथोड से कैथोड रेज इवॉल्व हो रही है, और ये इस एटम से स्ट्राइक कर रही है, अगर एटम से स्ट्राइक कर रहा है तो यहां से इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा और ये भी इलेक्ट्रॉन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलकर किधर जाएंगे, एनोड की तरफ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा, ये जो एटम है, आप जानते हैं कोई भी एटम अगर वो गैसियस फॉर्म में है, अगर हाई वेलोसिटी का इलेक्ट्रॉन उस पर स्ट्राइक कर रहा है तो वो आयनाइज होगा, एटम पे अगर एटम अपने वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये आपका हो गया क्या चीज, एटम आयनाइज हो गया, और एटम पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक, पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये सिचुएशन हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो हमारा कहने का मतलब ये कैथोड है, इस कैथोड से कैथोड रेज यानी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये जो बीच में आपने गैस के एटम्स लिए हैं, ये एक एटम की बात करें, ऐसे ढेर सारे, एक मोल की बात अगर करिए तो 10 पावर 23 एटम्स एटलीस्ट होंगे,
ऐसे ढेर सारे एटम्स यहाँ पे हैं, और हमने एक इंडिविजुअल एटम्स को आपको दिखाया। उस इंडिविजुअल एटम्स को अगर हाई वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं एट लो प्रेशर पे, तो ये आयनाइज होगा, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इवॉल्व करेगा, और कैथोड रेज भी इलेक्ट्रॉन इवॉल्व कर रहा है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक। और उसके बाद ये पॉजिटिव जो पार्टिकल बन रहा है, ये पॉजिटिव पार्टिकल ये किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा कैथोड की तरफ, और ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ध्यान रखना ये है कि आप इसमें कौन सा एटम गैस के अंदर लिए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत टेक्निकल पॉइंट है कि इसमें एटम जो लिया है वो एटम आयनाइज होगा, इलेक्ट्रॉन को इवॉल्व करेगा, और वो एटम जो आयनाइज होगा वही एटम किधर जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। तो इसमें जो इन्होंने ऑब्जर्व किया हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहां पे अब इनके बीच में एम्प्टी स्पेस है, गैस भरी हुई है, ठीक, गैस भरी हुई, हाई वोल्ट करंट आपने अप्लाई किया लो प्रेशर पे, तो आप ऑब्जर्व क्या करते हैं, इसमें देखते हैं करंट का फ्लो होगा, और जानते हैं जैसे हमने उसमें बताया सर्किट इनकम्प्लीट होती है, करंट का फ्लो नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इनके बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, और वो चलने वाला किधर चल रहा है, हमने वहां पर भी बताया था आपको कि कैथोड से एनोड की तरफ चल रहा है या एनोड से कैथोड की तरफ। इनके बीच में इनविजिबल रेज ऐसे चल रही है, ऐसे इनविजिबल रेज मूवमेंट कर रहे हैं, और इनका डायरेक्शन अभी आपको आइडिया नहीं, इनके डायरेक्शन के बारे में आपको आइडिया नहीं, तो ये सर्किट अब एक दूसरे से कंप्लीट हो रही है, इसलिए करंट का फ्लो हो रहा है। अब इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया क्योंकि जो ये रेज है ये इनविजिबल रेज है, इनविजिबल रेज है। अब इस इनविजिबल रेज की प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई किया, अगर यही इलेक्ट्रिक प्लेट एक अप्लाई कर दे, एक नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर दे, ठीक, तो ये जो इनविजिबल रेज है वो मूव कर जाए किस तरफ से, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ मूव कर जा रही है, जो इनविजिबल रेज है ये नेगेटिव की तरफ मूव कर जा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, इन रेज का नेचर कैसा हो गया, इसका नेचर हो गया ये पॉजिटिव इन नेचर, रेज कैसा हो गई, पॉजिटिव इन नेचर हो गई, ठीक। तो इन्होंने कहा कि इसका मतलब जो रेज निकल रही हैं इनविजिबल रेज वो पॉजिटिव इन नेचर हैं, और वो एनोड से, इसका मतलब ये क्या उन्होंने कहा, इसका मतलब है कि एनोड से कैथोड की तरफ रेज मूव कर रही, एनोड से कैथोड की तरफ रेज मूव कर रही जो आपकी इनविजिबल रेज है, इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया। लेकिन इन रेज को ऑब्जर्व करने के लिए इन्होंने क्या किया, कैथोड लिया, ये इससे टकराई, टकराने के बाद ये खत्म हो जा रही है, तो आपको आइडिया नहीं हो पा रहा है कि आखिर रेज किस तरह की, कैसा नेचर वो शो करते, तो इसको समझने के लिए इन्होंने कैथोड में थोड़ा सा क्या किया, होल क्रिएट किया, और जो कैथोड था उसे बदल के यहां पे इसका इस्तेमाल क्या कर दिया इन्होंने, परफोरेटेड कैथोड, इसे अब हम लोग क्या नाम देंगे, परफोरेटेड छिद्र जिसमें बने, परफोरेटेड कैथोड है। अब इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, और परफोरेटेड कैथोड के बिल्कुल पीछे इन्होंने क्या किया, ये जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन ले ली, जिंक सल्फाइड का जो है इन्होंने कोटिंग कर दिया, जिंक सल्फाइड की कोटिंग करने पर ये क्या होता है, ये फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है,
फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, मतलब ये ग्लो यहाँ पे डेवलप करेगा। कैसे? जब यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो एनोड की तरफ से रेज आ रही है इस परफोरेटेड कैथोड से होकर के, ये रेज अगर इन पर स्ट्राइक कर रही हैं, इनकी तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया गया यहाँ पे ग्लो डेवलप करेगा, ग्लो डेवलप कर रहा है। और ये ग्लो जो डेवलपमेंट है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका मतलब है एनोड से कैथोड की तरफ कोई भी रेज चल रही है और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है। ठीक, एनोड से कैथोड की तरफ रेज चल रही है, जो इनविजिबल रेज है वो एनोड से कैथोड की तरफ चल रही है और उसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव नेचर है। अब इसी को और समझने के लिए इन्होंने क्या कहा, जैसे आपने कहा कि एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन के अलावा जो है ये इसका जो है ये मटेरियल पार्टिकल है, ठीक, मटेरियल पार्टिकल है। तो आपने सीधे सीधे क्या किया, इसके सामने अगर आप जो है इसके पाथ में ही अगर आप एक शार्प ऑब्जेक्ट रख दीजिए तो उसकी जो शैडो होगी, उसकी जो इमेज होगी वो आपको इसके पीछे दिखाई देगी, मतलब कैथोड की तरफ दिखाई देगी। तो ये इंडिकेट करता है कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती है। और साथ ही साथ जो है अगर आप माइका पैडल व्हील लगा लीजिए माइका का और उसको इसके सामने रख दीजिए तो ये क्या करती है, उस पैडल व्हील को मूवमेंट करा देती है, मूव करा देती है। इसका मतलब है ये कैसा पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल की तरह भी बिहेवियर शो करता है। ये तमाम चीजें हैं जिसको आप ऑब्जर्व करते हैं। तो कहने का मतलब है कैथोड से एनोड की तरफ और एनोड से कैथोड की तरफ रेज का मूवमेंट हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया कि जो रेज का मूवमेंट है एनोड से कैथोड की तरफ है और उसका नेचर कैसा है, निगेटिव है और वो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है और साथ ही साथ वो मटेरियल पार्टिकल की तरह बिहेवियर शो कर रही है और वो फ्लोरेसेंस मटेरियल पे जब भी स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने को भी हम लोग क्या कहते हैं, पार्टिकल नेचर कहते हैं। स्ट्राइक करने पर वो ग्लो या सिंटिलेशन, सिंटिलेशन का मतलब स्पॉट डेवलप करना, एक पर्टिकुलर स्पॉट डेवलप करना, सॉरी सिंटिलेशन डेवलप कर रही है या ग्लो डेवलप कर रही है, ये सारी इंडिकेशन हमको सारी प्रॉपर्टी ये इंडिकेट कर रही है कि मूवमेंट जो हो रहा है वो एनोड से कैथोड हो रहा है। तो सबसे पहली चीज जो है यहाँ पे एनोड से कैथोड रेस का मूवमेंट हो रहा है, ये तो आपने कहा, ठीक है भाई। अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि क्या एनोड और कैथोड जो है ये जो इसका नाम क्या रखा गया, चूंकि एनोड से कैथोड की तरफ से ये मूवमेंट हो रहा है तो इसका नाम रख दिया गया एनोड रेज, आर कैनाल रेज। आर पॉजिटिव रेज, एनोड रेज आर कैनाल रेज आर पॉजिटिव रेज, ये इस तरह से, ठीक है भाई। अब यहां पे क्वेश्चन एक है, ये भी समझ लीजिए कि जो रेज है वो एनोड से ओरिजिनेट नहीं कर रही, जो रेज है वो ओरिजिनेट कर रही है इसके अंदर गैस जो है उस गैस के आयोनाइजेशन से, उस गैस के एटम के आयोनाइजेशन के फलस्वरूप जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, जिस जो भी पॉजिटिव आयन बनता है वही जो है आपका क्या कर रहा है, वही पॉजिटिव आयन एनोड की तरफ मूवमेंट, सॉरी कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है और वही जो है आपका क्या कहला रहा है, रेस की तरह बिहेवियर शो कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर हमने मेटल ले लिया, मेटल कोई गैसियस फॉर्म में है और अगर ये आयनाइज हो रहा है तो ये मेटल प्लस आयन गैसियस फॉर्म में और ये इलेक्ट्रॉन ये किधर मूव करेगा, ये कैथोड की तरह मूवमेंट करेगा और ये मूव टुवर्ड्स कैथोड और ये इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, मूव टुवर्ड्स एनोड, यानी इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन क्या कराएगा, कैथोड रेज।
और ये आपका एनोड रेस की तरह एक्ट करेगा। इसका मतलब है यहाँ पे जो गैस है वो गैस इस बात को डिटरमाइन कर रहा है कि एनोड एनोड रेस जो है का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है और किस तरह का एनोड रेस का यहाँ पे मूवमेंट होगा। इस तरह से एनोड रेस यहाँ से मूव कर रहे हैं। अब आइए इसके बाद दूसरा चीज, यहाँ पे ये कहा गया कि जैसे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे ई बाई एम रेशियो की हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहा गया कि जो ई बाई एम रेशियो है, लिखा है इसी को बता देते हैं, ई बाई एम रेशियो जो इसका ऑब्जर्व किया गया प्रोटॉन का वो 9.58 × 10⁴ कूलाम पर ग्राम, और जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इस पे कौन चार्ज होगा, पॉजिटिव, इसलिए लिखा बट साइन अपोजिट। तो मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो मास ऑफ प्रोटॉन बराबर ई अपॉन ई बाई एम अगर निकालते हैं तो यह आता 1.673 × 10⁻²⁴ ग्राम या 1.673 × 10⁻²⁷ किलोग्राम। तो आप अगर इसको ऑब्जर्व करिए ये मास जो होता है सेम एज दैट ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये इतना ही मास हाइड्रोजन एटम का भी होता है, और ये कहा जाता है कि ये जो है लगभग 1837 यानी 1833 गुना भारी होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग जो है हम लोग कहते हैं ये मैसिव पार्टिकल होता है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो जितने भी होते हैं वो यूनिवर्सल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हर एटम, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन का जो ई बाई एम रेशियो है अगर उसकी हम लोग बात करते हैं तो हर चीज बिल्कुल फिक्स है। क्यों? क्योंकि हर एटम आयोनाइज होने के बाद इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन का नेचर नहीं चेंज होगा, तो एटम्स का जो फंडामेंटल कॉन्स्टेंट पार्टिकल होगा वो इलेक्ट्रॉन है लेकिन प्रोटॉन नहीं, क्योंकि प्रोटॉन का जो भी फॉर्मेशन होगा, देखिए हम एग्जांपल लेते हैं आफ्टर आयोनाइजेशन ऑफ गैस, अगर हम दो एग्जांपल ले लें एक लिथियम ले, अगर लिथियम यहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर हम यहां पे सोडियम ले लें तो सोडियम प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन हो गया। आप गौर से देखिए दोनों जगह इलेक्ट्रॉन तो वही है, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का ई बाई एम रेशियो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा ठीक, लेकिन सोर्स दोनों के अलग है, सोर्स दोनों के अलग है लेकिन इलेक्ट्रॉन सेम है, इसलिए इसका ई बाई एम रेशियो चार्ज वही होगा। लेकिन यहां जो लिथियम प्लस और सोडियम प्लस है इनका जो ये जो एनोड रेस की तरह इनका यानी ये प्रोटॉन की तरह जो एड कर रहे हैं पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरह जो पॉजिटिव रेस की तरह जो एड करेंगे, ये दोनों अलग है, दोनों का मास अलग अलग है तो दोनों का ई बाई एम रेशियो क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं प्रोटॉन इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एन एटम, एटम का जो फंडामेंटल पार्टिकल होता है वो प्रोटॉन नहीं होता, और इसीलिए और इसका नाम भी देखिए किस हिसाब से आपको मालूम है ई बाई एम रेशियो, आप देख रहे हैं ना ई बाई एम रेशियो जो होता है फॉर एनोड रेस ये कॉन्स्टेंट नहीं होता, कॉन्स्टेंट नहीं होता, लेकिन E बाई एम रेशियो ये कॉन्स्टेंट होता है फॉर कैथोड रेस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास कॉन्स्टेंट, लेकिन प्रोटॉन का यानी एनोड रेस का इलेक्ट्रॉन चार्ज तो सेम है लेकिन मास अलग है, क्योंकि देखिए इसका मास अलग होगा, कहने का मतलब अगर मास चेंज होगा तो ई बाई एम रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं होगा। ये सीधा सीधा हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। अगर इसी चीज को सीधे सीधे आप कह रहे हैं तो आप ये भी बात कह सकते हैं
इस चीज को ऑब्जर्व करिए। अगर आप ई बाई एम रेशियो की बात करते हैं, ई बाई एम रेशियो आप किसी भी कंस्टेंट की बात करते हैं तो सीधे सीधे ई बाई एम रेशियो अगर आप देखिए तो एम की वैल्यू मास जितना लो होगा ई बाई एम रेशियो उतना ही ज्यादा, ई बाई एम रेशियो हाई कब होगा जब मास ऑफ एटम लो यानी लाइटेस्ट मेटल, लाइटेस्ट एटम, और आप जानते हैं हाइड्रोजन जो है लाइटेस्ट माना जाता है लाइट, ठीक। अगर आप इसी को ऑब्जर्व करिए तो आपने नाम देखे इसको ई बाई एम रेशियो को देखा जाए तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो सबसे कम होता है, हाइड्रोजन का मास अगर सबसे कम होता है उसी को हम लोग ऑब्जर्व करें तो उसके आधार पे हम लोग इसका जो नाम दिया गया वो नाम दिया गया प्रोटो, प्रोटो मतलब फर्स्ट प्लस एन, इसका नाम क्या दिया गया प्रोटॉन। इस एनोड रेस को जो है कैरेक्टराइज किया गया 1919, प्रोटॉन वेयर कैरेक्टराइज इन 1919 में ये कैरेक्टराइज किया गया, यानी इसके बारे में हम लोगों ने इंफॉर्मेशन दिया। अब प्रोटो में इस फर्स्ट और प्लस एन लगा दिया प्रोटॉन, यानी ये प्रोटॉन को नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और इसको परफॉर्म किया था जेम्स चैडविक जी ने 1932। हमने एक फार्मूला आपको बताया था जैसे हम लोग याद करते थे तो ईटा पर नाचे और आप ईटा पग नाचे, ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन टॉमसन, प्रोटॉन गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन चैडविक नाचे, न्यूट्रॉन चैडविक के बारे में। तो ये तो एक जनरल फॉर्मूला था जिसकी सहायता से आप नाम याद कर रहे हैं किस पार्टिकल को किसने जो है डिस्कवर किया था। अगर हम लोग इसकी बात करते हैं जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो जो है साइंटिस्ट लोगों ने उसी पे सोचना शुरू कर दिया कि भाई इसका मतलब है किसी भी, चूंकि एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो हैवियर देन इलेक्ट्रॉन की कितना होता है 1837 टाइम्स, यानी इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन प्रोटॉन काफी मैसिव पार्टिकल होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो आप देखिए इसका मतलब है कि अगर भी आपने प्रोटॉन लिया, प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास को आपने नेग्लेक्ट कर दिया तो जो प्रोटॉन का यानी प्रोटॉन का जो मास होगा वही मास ऑफ एटम होगा। तो लोग कोई दिक्कत थोड़ो हुई, उन्होंने कहा ठीक है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के लोगों ने कई और चीजें सोचना शुरू किया, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जैसे देखिए साइंस का मतलब ही ये हुआ कि ऑलवेज थिंकिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में सोचिए, अपने आप को सोचिए हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा, हम किस तरह से बने हुए। ऐसे ही आप एटम्स के बारे में सोचिए, एटम्स कैसा है, एटम्स का नेचर कैसा है, एटम्स क्या कैसे बना, तभी डिस्कवरी होती है या कहिए एक प्रकार से इन्वेंशन होता है। इनोवेटिव आइडियाज जब क्रिएट होंगे आपके दिमाग में तभी कुछ ना कुछ डिस्कवरी होगी। तो ऐसे ही इसी तरह से लोगों ने सोचा और उन्होंने कहा कि जैसे किसी भी एटम्स के जो मास होता है, एटॉमिक मास होता है, मास ऑफ एटम, उसे एएमयू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए हीलियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 4 है, ठीक, एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक मास जो है वो 4 है। तो और हाइड्रोजन का 1 एएमयू है, हीलियम का 4 एएमयू है, हीलियम का मास 4 एएमयू है। तो यहां पे इसको सीधे सीधे ऑब्जर्व किया गया और ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर हम लोग जो है एक हाइड्रोजन एटम, जैसे देखिए
एक हीलियम एटम की बात करते हैं और यहां दो हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, इस हिसाब से सोचा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया गया तो ये पाया गया कि अगर दो हाइड्रोजन एटम मिल जाए तो एक हीलियम बना दे, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर दो ही होता है और हाइड्रोजन का भी एटॉमिक नंबर एक होता है, तो एक एक और दो मिलकर बना दे। तो इन्होंने जब ऑब्जर्व इसको किया तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपका हीलियम वाला पार्ट है और जो हाइड्रोजन का पार्ट है, ये थोड़ा सा वेट यानी ये हैवियर पार्ट है डाउन टुवर्ड्स अर्थ, ठीक। और ये क्यों होता है? ड्यू टू हैवी मास, हैवी मास होने की वजह से। अब लोगों की समझ में नहीं आया कि दो हाइड्रोजन मिलकर के जब जो है हीलियम बना सकते हैं तो आखिर ये हैवी कैसे, ये ऐसा नेचर होता है। तो फिर लोगों ने और एक्सपेरिमेंट सोचा और इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए ये जताने का प्रयास किया कि अगर एक हीलियम है और इधर चार हाइड्रोजन एटम है, चार हाइड्रोजन एटम होने के बाद आप इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो यहां सीधा सीधा आप कह सकते हैं दोनों का वेट जो है वो इक्वल, दोनों का वेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि अब एक हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन, तो यहां चार प्रोटॉन हो गए, हीलियम में सिर्फ दो प्रोटॉन, हीलियम में सिर्फ दो प्रोटॉन होते हैं। तो अब इसका मतलब है कि यहां पे चार प्रोटॉन का मास मिला करके तब इसके बराबर हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं तब इसका मास, यानी इसका मास जो है और इसका मास कहीं ना कहीं कंपैरेटिव कंपेरेबल है। लोगों के दिमाग में ये नहीं है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि चार हाइड्रोजन मिलकर के ही हीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है और हीलियम के बराबर उसका वेट हो रहा है। इसको ऑब्जर्व करने के इसके सोच इसके बारे में सोचते हुए जेम्स चैडविक जी ने 1932 में एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने बताया कि वास्तव में होता क्या है। इन्होंने कहा, आइए देखते हैं इस चीज को, कुछ और एक्सपेरिमेंट देखते तब बताते हैं। जैसे आपको मालूम है एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इक्वल टू, और एटॉमिक मास जो होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन, यही तो आपने पढ़ा मास ऑफ प्रोटॉन। अगर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं एलिमेंट का, एलिमेंट का एग्जांपल लेते हैं, कुछ एलिमेंट का एग्जांपल ले, जैसे हम एलिमेंट ले रहे हैं हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कुछ एग्जांपल ले रहे हैं। हीलियम का एटॉमिक नंबर तो आपको मालूम है 2, लिथियम का मालूम है 3, बेरिलियम का मालूम है 4, बोरान का मालूम है 5, ये तो मालूम ही आपको। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन का मास होता आप जानते ही हैं, तो उस हिसाब से इसका प्रोटॉन का जो मास होगा यानी 2 गुणे इतना कर दीजिए, लेकिन एटॉमिक मास जो इसका है, अब आप जानते हैं मास ऑफ प्रोटॉन यहां पे कितना आएगा, इसी का क्या कर दीजिए, यहां हीलियम का आता है 4, लिथियम का आता है 7, इसका आता है 9, इसका आता है 11, देख रहे हैं 2 4। अब आप देखिए मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग ले रहे हैं, मास ऑफ प्रोटॉन हमने मान लिया 1 mu, तो इसका मतलब है यहां पे आप देखिए इसका दुगना हो रहा है, यहां 3 है 3 दुगना ज्यादा हो रहा है, यहां 4 है 9 हो रहा है, यहां 5 है 11 हो रहा है,
इसका मतलब है कि प्रोटॉन के अलावा भी कुछ ऐसे पार्टिकल हैं, क्योंकि एटम तो होल न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, दोनों न्यूट्रल हो गए। अब मास में डिफरेंस होने की वजह से कोई ऐसा भी पार्टिकल होगा जो न्यूट्रल इन नेचर होना चाहिए और जिसका मास जो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास का हो गया, प्रोटॉन का अपना मास है, तो कुछ ऐसा भी पार्टिकल होना चाहिए जो न्यूट्रल होना चाहिए और जिसका मास जो है ऑलमोस्ट प्रोटॉन के कंपेरेबल होना चाहिए, प्रोटॉन के लगभग होना चाहिए। इसी को बेस मान करके चैडविक जी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की। देखिए उन्होंने जो है अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया, जैसे देखिए ये आपका हो गया सोर्स ऑफ एक्सरे, सॉरी सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, और इन्होंने क्या लिया, एक बेरिलियम लिया, बेरिलियम की थिन सीट लिया और यहां पे इसे अल्फा पार्टिकल इस तरह से निकल रहा है। अल्फा पार्टिकल का मतलब हीलियम से ही रिलेटेड है, अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम पर, हीलियम है और हीलियम जब Hg2+ और दो इलेक्ट्रॉन के रूप में है तो हीलियम या अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल बेरिलियम पे स्ट्राइक कर रहा है, और जब बेरिलियम सीट पर स्ट्राइक करेगा तो यहां से इन्होंने ऑब्जर्व क्या किया, कुछ रेज दिखाई देंगे, और इसे पैराफीन बैग्स ले लिया, उसी पे स्ट्राइक कराते, उसी पे स्ट्राइक कराते हैं। तो पैराफीन बैग्स पे अगर स्ट्राइक कराते हैं पैराफीन बैग्स मतलब मोम से ही लेकर चलते हैं, तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट हुई बेरिलियम सीट पर, वहां से इनविजिबल रेज दिखाई थी, रेज दिखाई देती, रेज जो होती है यहां पे वो डोंट हैव चार्ज, डोंट हैव चार्ज, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, बट दे हैव मास, दे हैव मास, इनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है लेकिन इसमें मास होता, ठीक है, और जो मास होता है विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन। इन्होंने क्या कहा, यहां से रेज इमिट करती है और जो रेज इमिट करती है वह रेज जो है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी जो रेज है, और ये जो है इसका अपना मास होता है, जो मास इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मास के इक्विवेलेंट होता है। तो जब इन्होंने इस रेज को स्ट्राइक किया पैराफिन बैग्स पे, तो इन्होंने यहां पे ऑब्जर्व क्या किया, यहां से ये सूट आउट हुए चार्ज पार्टिकल, सूट आउट चार्ज पार्टिकल दैट इज प्रोटॉन, ये जो सूट आउट हो रहे हैं यहां से वो चार्ज पार्टिकल यहां से सूट आउट होते हैं, और वो सूट आउट पार्टिकल क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन कहलाते हैं, और चूंकि प्रोटॉन के बराबर इसका मास होता है तो इसलिए हम लोग जो है ये न्यूट्रल, सॉरी इस न्यूट्रल पार्टिकल का नाम आपने क्या दिया, न्यूट्रॉन नाम दिया। न्यूट्रॉन क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है और उसका मास जो है किसके इक्विवेलेंट है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और इसी वजह से हम लोग इसे न्यूट्रॉन नाम दिए
और इस तरह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी यहाँ पे हो गई। अगर आप इसी क्वेश्चन को देखिए कि आपने कहा बेरिलियम है, बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर जो है 2, 4 और अल्फा पार्टिकल की बेरिलियम का 4 और 9 अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट किया आपने Hg2 और 4। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट कराने पर आपको जो इक्वेशन यहाँ पे दिखाई देगा, जब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम पे स्ट्राइक कर रहा है तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। अगर आपने न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें है, तो एटॉमिक नंबर हो जाएगा कितना 4 और 6 और ये 9 और 4 13 होता है, तो यहाँ पे ये 12 हो गया। नहीं, जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट बेरिलियम पे होगी, बेरिलियम पार्टिकल पे, बेरिलियम थिन प्लेट पे, तो यहाँ कार्बन का फॉर्मेशन होगा और प्लस यहाँ पे जो पार्टिकल शूट आउट कर रहा है, जो पैराफिन बैग से टकरा रहा है, वो क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रल पार्टिकल जो होगा वो क्या कहलाएगा, ये न्यूट्रॉन होगा। और ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है जिसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और सीधे सीधे इसको आप पढ़ सकते हैं और बता भी सकते हैं। एक हम लोग सीधे सीधे इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं भाई, ठीक है भाई। अब इसी चीज को देखने के लिए हम लोग इसमें ये भी कहते हैं कि जो कोई भी एक ऐसा आइटम अगर आप जानते हो जिसमें न्यूट्रॉन ना पाया जाता, सॉरी, आपने सुना होगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऐसा है जिसमें नो न्यूट्रॉन, ठीक, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 1, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होती है, 1, तो ये दोनों मिलकर के बना होता है, किससे, हाइड्रोजन को बनाता है, यानी हाइड्रोजन एटम जो है वो छोड़ करके बाकी सारे एटम जो है में न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। इसका मतलब है कि फंडामेंटल एक प्रकार सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आपका डिस्कवरी या प्रोटॉन हुआ, न्यूट्रॉन हुआ। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे, एटम मॉडल के बारे में देखा जाएगा और उसके बाद जो है आगे हम लोग और भी चीजों को देखेंगे। फिलहाल इतना आप देखिए और इसको देख करके जो भी आपको दिक्कत महसूस हो रही हो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करके, नेक्स्ट वीडियो में से जो है हम आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसे रिमूव करके अपलोड नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाकी लोगों तक जो है इसकी लिंक भेजिए। थैंक यू।